यहाँ पे ये कस्टर्ड का भी ठंडा हो गया है। और ये रहा मेरा फ्रूट जो मैं काटी हूँ। तो ये है कस्टर्ड पाउडर जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा इजिली। इसको क्या करेंगे ना, हमको डायरेक्टली नहीं डालना है क्योंकि इससे क्या होता है ना, लम्स बन जाते हैं, तो जब आप खाएंगे मुंह पे वो लम्स आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशीम एंड रोहित ब्लॉग। आप सभी को जोहार, और मेरी कुकिंग वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं जो भी मैं बना के डाल रही हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी वीडियोस के लिए भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट देते हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। तो आज भी मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ जो कि कुकिंग से रिलेटेड है, बहुत ही ईजी है, बैचलर लोग भी बना सकते हैं, और ये गर्मी के टाइम में या फिर आप एज अ डेजर्ट इसको खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और टेस्ट वाइज भी पूरा आइसक्रीम वाला फील देता है। अगर जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना, और हेल्दी भी है, टेस्ट वाइज भी अच्छा है और हेल्दी भी है, जैसे बहुत सारे बच्चे आइसक्रीम वगैरह मांगते हैं, तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं मेरा ब्लॉग या फिर जिनके यहाँ बच्चे हैं वो लोग देख रहे हैं, तो आप लोग ये बना के दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो बच्चे फल नहीं खाते हैं उनके लिए तो और ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे पहले बोलते कम हैं, काम स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आप लोग को क्या बना रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये है दूध, ये बनेगा दूध का ही, तो प्लीज़ बर्तन इग्नोर करना क्योंकि जिस बर्तन में दूध था मैं उसी में बना रही हूँ, बैचलर लाइफ ऐसा ही होता है, ज़्यादा बर्तन गंदा नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको चढ़ा देते हैं ऊपर और इसी पर ही बनाते हैं। और यहाँ पे मैं दूध चढ़ाई थी और दूध अच्छे से पूरा खौल गया है, तो दूध जब अच्छे से खौल जाएगा तो इसमें हम ना टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे। और इसके लिए आपको चाहिए कस्टर्ड पाउडर, ये ओपन है क्योंकि मैं पहले बहुत बार बना चुकी हूँ और टेस्ट वाइज भी ये बहुत अच्छा होता है, और जब भी दूध बच जाता है तो मैं कस्टर्ड बनाना ही प्रिफर करती हूँ। तो ये है कस्टर्ड पाउडर जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा इजिली। इसको क्या करेंगे ना, हमको डायरेक्टली नहीं डालना है क्योंकि इससे क्या होता है ना, लम्स बन जाते हैं, तो जब आप खाएंगे मुंह पे वो लम्स आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको पहले एक कोई बर्तन ले लेते हैं हम लोग, उसमें डालेंगे नॉर्मल पानी, ठंडा पानी भी नहीं डालना है, नॉर्मल पानी डालना है, और उसमें तब इसको डाल के फिर मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब इसमें डालेंगे ना तो इसको हम लोग को राउंड राउंड घुमाते रहना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे डालना है। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन भी जाता है, और बच्चों को तो मेरे यहाँ पे तो मैं जिसको खिलाई उन लोगों को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और आइसक्रीम इसके सामने फेल है, जो बच्चे आइसक्रीम ज्यादा खाते हैं ना, आइसक्रीम से पेट गर्म होता है, तो वो चीज को छुड़वाने के लिए आप ये चीज कर सकते हैं। अब इसको मैं डाल दी हूँ बस थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट, जैसे ये थोड़ा सा दूध और अच्छे से खोल जाए ये कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद, उसके बाद करेंगे आगे का प्रोसेस। तो जब तक वहां पे दूध खोल रहा है, खोल ही गया है, बंद कर दिया मैं उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, तब तक हम लोग काट लेते हैं ये फल, जो भी फल होगा आप लोग डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अगर जो ऐड करना चाहे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ ये केला, आम, केला और अनार। तो जब तक वहां दूध ठंडा हो रहा है इसका हम लोग कटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे कट चुका है सारा चीज, तो अब चलते हैं इसको उसमें डालते हैं, मिक्स करते हैं। चल, यहाँ पे ये कस्टर्ड का भी ठंडा हो गया है, और ये रहा मेरा फ्रूट जो मैं काटी हूँ, आम, केला और अनार। आप इसको जो मैं बना रही हूँ ना कस्टर्ड, इसको एज अ डिजर्ट भी कभी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ भी अगर फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अभी मेरे पास यही तीन चीज था, तब इसको, ये ठंडा ही हो चुका है, इसमें डालेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे पूरा अच्छे से। तो इसमें हमने डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर दिए हैं सारा। अब मेन जो चीज रहेगा इसको हम लोगों को डाल देना है फ्रिज के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा रहता है तभी खाने में मजा आता है, गर्म गर्म उतना मजा नहीं आएगा। और अगर ठंडा में बना रहे हैं तो कम ही ठंडा करिएगा आप लोग, लेकिन हल्का तो ठंडा ये रहेगा तभी अच्छा लगेगा। तो इसको मैं डाल दी हूँ फ्रिज में, और उसके बाद शाम में खा के बताऊंगी। शाम में तो आई थिंक रोहित भी आएगा कुछ कुछ काम से, तो उसको खिला के फिर पूछेंगे कि टेस्ट कैसा है। तो यहाँ रोहित आ गया है और इसको मैं टेस्ट करवा रही हूँ कस्टर्ड। कैसा लगा? आइसक्रीम जैसा लग रहा है, आई मीन कस्टर्ड कस्टर्ड लग रहा है, लेकिन इसको जमा दे तो आइसक्रीम बन जाएगा। तो ये मेरा कस्टर्ड, जिसको मैं पहले भी बोली थी कि आइसक्रीम के जैसा टेस्ट आता है, बच्चे भी खा सकते हैं। अभी यहाँ पे और बचा हुआ है मेरे पास ढेर सारा। और कुछ बोलना चाहोगे मेरे खाने कुकिंग के बारे में? ऐसे ही मैं आते रहता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मेरे पे से बना बना के खिलाते रहना, हमको अच्छा लगता है, पेट भर जाता है, फिर रूम जाके सो जाते हैं।